अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये कार वाल्टर है। इसकी मैं 5-7 वीडियो बना चुका हूँ एक एक फॉल्ट पे। सबसे पहले आपने ये आईसी उतार देना है, ठीक है, ये उतार देना है, ठीक है। सारे उतार के ना आपने ये रेड लाइट चेक करनी, ये नहीं जलनी चाहिए, ये फिर भी जल रही है, यहाँ सब ये फिर भी जल रही है। फिर आपका यहाँ से डाइवोर्ड जीनर डाइवोर्ड ये ख़राब हो सकता है। और यहाँ इसको आप ना उतारें, फिर वैसे मीटर से चेक कर लें सारे को, क्या मसला है, आईसी ख़राब है या मतलब क्या मसला बन रहा है। ये आप सब ओके कर दें, ये आईसी लगा दें। फिर पहले जब ये आईसी लगाएंगे, ये 324 होती है, ठीक है। और तो पहले आप जब 12 वोल्ट तार लगाएंगे ना बैटरी के साथ, ये थोड़ी देर पहले ना थोड़ी देर बाद जलेगी, 1 सेकंड कर लें या 30 सेकंड के बाद ना, या 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड के बाद ये जल जाएगी। इसका ये मतलब होगा ये आपने आईसी नहीं लगाया हुआ होगा, इसलिए ये जलेगी। जब ये आईसी आप लगा देंगे फिर ये लाइट नहीं जलेगी। ये देखें, ये इस तरफ का मैंने आईसी अभी नहीं लगाया हुआ, इस तरफ लगाया हुआ है, जहाँ पे मेरे पास वोल्ट भी, ये इसके आईसी यहाँ पे वोल्ट भी 4-5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक होगा। इस तरह आप इसको चेक कर सकते हैं, ये थोड़ी देर बाद लाइट ऑन करेगा। जब ये आप ठीक लगा देंगे फिर लाइट नहीं जलेगी, ठीक है, और ये ओके हो जाएगा। यहाँ पे आपके 3-4 वोल्ट भी आ गए हैं, 4-5। आप यहाँ पे अभी ये लगा लें, एफटी लगा लें और फिर इसका आउट साइड चेक कर लें। अभी मैं आउट साइड का आईसी लगाने लगा हूँ। यहाँ पे आईसी लगाने के पहले भी वोल्ट आ रहे होते हैं, 10 वोल्ट आ रहे हैं, अभी यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर -5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, दोनों पर ना, लेकिन ये कुछ बता रहा है। लेकिन अभी मैं ये आईसी लगाता हूँ, फिर कंफर्म पता चल जाएगा क्या मसला है।